भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। अगर वो निर्वाचित होते हैं तो इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर पहुंचने वाले राजस्थान के दूसरे नेता होंगे। राजग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए धनखड़ की उम्मीदवारी की घोषणा शनिवार को की। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। आपको बता दें कि ये वही राज्यपाल हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत दिनों से राज्यपाल पद से हटाने की मांग कर रही हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी जाकर ये बात कह चुकी हैं कि धनखड़ को हटाया जाए। सीएम ममता ने चिट्ठी लिखकर भी गवर्नर को हटाने की मांग की। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि हम लोग पार्टी में भी चर्चा कर रहे हैं कि पब्लिकली अगर गवर्नर लगातार ऐसे ट्वीट करते रहेंगे तो हम सोच रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले टीएमसी की तरफ से उनका बहिष्कार किया जाए। ममता दीदी की इस मांग को मान लिया गया है। जगदीप धनखड़ के राज्यपाल पद से हटने का ऐलान तो हो गया, लेकिन उनके कार्यकाल की बात अगर की जाए तो 30 जुलाई 2019 को उन्होंने ज्वाइन किया था और 30 जुलाई 2022 को उनके 3 साल पूरे हो जाते। अब देखने की बात यह है कि इसके पीछे राज क्या है और इस खेल में कौन जीता कौन हारा, क्योंकि 30 जुलाई को वैसे भी धनखड़ का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता। तो वहीं जिस तरीके से भाजपा ने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए विपक्ष में और कांग्रेस के साथ गठबंधन में पार्टियों के वोट हासिल किए हैं, वैसे ही धनखड़ को नामित करके बीजेपी ने जाट समर्थन हासिल करने का प्रयास किया है, जिसे फिलहाल कृषि कानून और किसान आंदोलन के कारण बीजेपी से नाराज माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए उन्हें किसान पुत्र बताया है। नड्डा ने इस बयान से उन लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की जो ये दावा करते हैं कि बीजेपी जाट और किसान विरोधी है। जगदीप धनखड़ को सामने लाकर पार्टी जाट कार्ड प्ले कर रही है, जो कि बीजेपी के लिए जरूरी था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।